गुड आफ्टरनून एवरी वन, आई एम वेद प्रकाश सिंह, आई एम डायरेक्टर ऑफ एक्सलेंस सिनेरियो। आज मैं आप लोगों का इंग्लिश का क्लास लेने जा रहा हूँ। आज मेरा फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का। आज मैं पूरा बेसिक से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, ABCD से स्टार्ट करूँगा। मेरा ये वीडियो आप लोग देखिए, जो हमसे पढ़े हैं वो भी देखिए, जो नहीं भी पढ़े वो भी देखिए, सबको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। और मैं पूरा बेसिक से पूरा लेवल तक लेकर जाऊंगा, कोई भी एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊँगा तो आप लोग को आगे चल करके बाउंस मार सकता है। इसलिए मैं पूरा बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरा ABCD से मैं स्टार्ट करूँगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए। आज मेरा ये फर्स्ट क्लास है। चलिए देखिए क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश क्या होता है, ABCD से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम बोले हैं आप लोगों को मैं ABCD से स्टार्ट करूंगा, पूरा जीरो से हीरो लेवल तक जाएगा एकदम, ठीक है। देखिए क्या होता है ABCD, ABCD मैंने लिखा, किसी से अगर पूछिएगा कि बताइए ए क्या है, बी क्या है, तो कोई बोलता है अल्फाबेट है, कोई बोलता है लेटर। वास्तव में ये अल्फाबेट है या लेटर, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन देखिए क्या होता है ABCDEF, ये सब क्या है, अल्फाबेट नहीं है। अगर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि बी क्या है, तो बी इज नॉट ए अल्फाबेट। अगर मैं पूछूंगा कि सी क्या है, सी इज नॉट ए अल्फाबेट, क्योंकि ए क्या है वो अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि ए क्या है, एक लेटर है। क्योंकि लेटर क्या होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर क्या होता है, एक अल्फाबेट का भाग होता है। लेकिन ये ABCDE को क्या बोलते हैं, इसको अल्फाबेट नहीं बोलते हैं। ABCDE यानी कि A to Z, ये टोटल ये आपका अल्फाबेट है। क्योंकि अल्फाबेट होता क्या है, अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि जो लेटर होता है उसके पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूंगा डी क्या है, तो डी इज नॉट ए अल्फाबेट, डी इज अ लेटर। डी क्या है, एक लेटर है, ये अल्फाबेट नहीं है। इसीलिए हम लोग ये पहले जानते हैं कि अल्फाबेट होता क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अल्फाबेट, कि अल्फाबेट इज नॉट ए लेटर, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। पहले हम लोग चलते हैं इसमें, अल्फाबेट, अल्फाबेट होता क्या है, तो अल्फाबेट क्या होता है, तो अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। देखिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अल्फाबेट क्या होता है, एक लेटर नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि ये बहुत सारा लेटरों का जो समूह होता है, यानी कि लेटर बोले तो A to Z, ये टोटल क्या हो गया आपका, अल्फाबेट हो गया, ठीक है। तो अल्फाबेट के बाद में क्या आता है जी, लेटर। देखिए लेटर होता क्या है, देखिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये सब आप लोग को इसका डिफिनेशन आता होता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए लेटर ये होता क्या है, तो लेटर क्या होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी कि लेटर क्या होता है, एक भाग होता है किसका, अल्फाबेट का, विच मेक्स अ न्यू वर्ड्स, जो एक नए शब्द बनाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि लेटर क्या होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच मेक्स अ न्यू वर्ड्स, यानी लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच मेक्स अ न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द बनाने में मदद करता है। जैसे नया शब्द, जैसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, इंग्लिश में देखिए क्या है, ई क्या है, एक लेटर है, एन क्या है, एक लेटर है, जी क्या है, एक लेटर है, एल क्या है, एक लेटर है, आई क्या है, एक लेटर है, एस क्या है, एक लेटर है, एच क्या है, एक लेटर है, ये बहुत सारा लेटर मिल करके एक नया शब्द क्या बन गया, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश ये क्या हो गया, एक आपका वर्ड हो गया, तो ये वर्ड लेटर
ये लेटर से ही क्या बना, इंग्लिश बना। यानी कि लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी कि ये क्या है, अल्फाबेट का एक पार्ट है, एन क्या है, अल्फाबेट का पार्ट है, सब मिला करके क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। यानी कि अल्फाबेट के बाद में क्या आ गया जी, लेटर, और लेटर के बाद में क्या आता है, वर्ड। अब आया सवाल कि वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो जिस तरह हुआ लेटरों के, यानी कि लेटरों के समूह, बहुत सारा लेटर मिलकर क्या बनता है, अल्फाबेट, और लेटर क्या हो गया, अल्फाबेट का एक पार्ट हो गया। अब वर्ड क्या हो गया, यानी कि बहुत सारा लेटरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो अगर आप बोलिएगा ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ये डिफिनेशन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए इंग्लिश मैंने लिखा, एच लिखा, एस लिखा, आई लिखा, जी लिखा, एन लिखा, ए लिख दिया, मैंने तो इंग्लिश का हर वर्ड लिख दिया, हर इसमें का लेटर लिख दिया। क्या ये वर्ड है, नहीं ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये डिफिनेशन अगर बोलिएगा कि यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ये डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे कैसे, तो ये बोलेंगे कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एक अच्छे से व्यवस्थित किया गया लेटरों का समूह जो सही अर्थ, जो सही सेंस दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं। यानी जैसे इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में क्या हो गया, पहले ई एन जी एल आई एस ए, जिसका ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, जिसका डिक्शनरी में क्या होता है, अर्थ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। अगर बोल दीजिएगा ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, तो ये डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये डिफिनेशन हुआ, वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एक अच्छे से व्यवस्थित किया गया लेटरों का समूह जो सही अर्थ प्रदान दे, ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। यानी कि हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़ लिया, अल्फाबेट के बाद में क्या पढ़ लिया, लेटर, लेटर के बाद में क्या हो गया, वर्ड, और वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। अब यह सवाल, ये सेंटेंस होता क्या है, जिस तरह से लेटरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, उसी तरह से वर्ड के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको भी हम लोग बोलेंगे अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक अच्छे से व्यवस्थित किया गया वर्डों का समूह जो सही अर्थ से प्रदान करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो हम लोगों ने अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इस सब का डिफिनेशन मैंने आप लोग को बता दिया। पूरा बेसिक्स ही मैंने ये आप लोग को बता दिया कि लेटर कहाँ से आता है, वर्ड कहाँ से आता है, सेंटेंस कैसे बनता है। लेकिन हम लोग चलते हैं इस इंग्लिश की तरफ, है ना, ये इंग्लिश आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने बताया कि बहुत सारा लेटरों के समूह को हम लोग वर्ड बोलते हैं, और इंग्लिश क्या है, एक वर्ड है। इंग्लिश क्या है, एक वर्ड है। पहले हम लोग चलते हैं ये इंग्लिश होता क्या है, ठीक है, इंग्लिश होता क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश
इंग्लिश क्या है। तो देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि बहुत सारा वर्ड मिल करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। यानी कि व्हाट क्या है, एक वर्ड है, इज क्या है, एक वर्ड है, और इंग्लिश क्या है, एक वर्ड है। ये बहुत सारा देखिए कि ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये तीन वर्ड मिल करके क्या बन गया, एक सेंटेंस बना। और यही सेंटेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है पूरा ग्रामर में, कि ये सेंटेंस का निर्माण होता क्या है। उसी के लिए हम लोग बहुत सारा रूल रेगुलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए क्या है, ये व्हाट क्या है, वर्ड हो गया, बहुत सारा लेटर मिला तो क्या बन गया, वर्ड। आई एस मिला, इज, इज क्या हो गया, एक वर्ड। और इंग्लिश में ई मिला, एन मिला, जी मिला, एल मिला, आई मिला, एस मिला, एच मिला, ये भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। और बहुत सारा ये वर्ड मिल करके क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर इसी को हम लोग लिखेंगे इज व्हाट इंग्लिश, बताइए क्या सही है, नहीं, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने डिफिनेशन ही लिखवाया सेंटेंस का, ये सेंटेंस है, और मैंने सेंटेंस का डिफिनेशन बताया था कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक अच्छे से व्यवस्थित किया गया वर्डों का समूह जो सही अर्थ प्रदान करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैं इधर उधर करके लिख दिया तो इसका सही अर्थ प्रदान नहीं हुआ, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ। और इस सेंटेंस के बारे में हम लोग पूरा ग्रामर में पढ़ते हैं, इसी के लिए हर ग्रामर का पार्ट पढ़ा जाता है। किस, यानी कि अगर ही मेरा सब्जेक्ट है तो ही के अनुसार कैसा वर्ब लगेगा, दे मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब लगेगा, कब कहाँ क्या होता है, कहाँ इज लगता है, कहाँ आ लगता है, कब कमर इधर में, कब कहाँ गलत होता है, ये सब चीज़ हम लोग पूरा ग्रामर में पढ़ते हैं। मैं आप लोग को अभी ग्रामर ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर के बाद ग्रामर में आप लोगों को दो तरह ग्रामर पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को लिटरेचर ही बताऊंगा, लिटरेचर में पैसेज पढ़ा बताऊंगा, आप लोगों को क्लोजेस बताऊंगा, ये सब चीज़ बताया जाएगा। बचर के पहले शुरू से आप लोग देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश होता क्या है। देखिए इंग्लिश का डिफिनेशन, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश का डिफिनेशन जानना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश, इंग्लिश होता क्या है। देखिए क्या इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरह से अंग्रेजी क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन ये हम लोगों का इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी क्या है, नेशनल लैंग्वेज है, हम लोग के यहाँ बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश क्या होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसलिए इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है, ठीक है। हिंदी क्या होता है, हम लोग यहाँ बोला जाता है, ऐसा नहीं कि हर जगह इंग्लिश हिंदी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे यहाँ भी बोला जाता है, विदेश में भी बोला जाता है, हर जगह बोला जाता है। दुनिया के कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर इंग्लिश का यूज नहीं होता है। इसलिए हम लोग इंग्लिश को क्या बोलते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही आपका अंग्रेजी का क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया कि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है। कहिएगा तो लिख देता हूँ इसका डिफिनेशन, इंग्लिश इज एन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया। चलिए इंग्लिश में हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, इंग्लिश ग्रामर हम जानेंगे। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण होता क्या है। देखिए इंग्लिश व्याकरण होता क्या, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए ये सब डिफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक्स क्लासेस दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ए टू जेड चीज बताते चल रहा हूँ। धीरे धीरे देखिएगा लेवल बढ़ते चला जाएगा। अभी मैं टॉपिक भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, बस केवल अभी इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता रहा हूँ, पढ़ रहे हैं। देखिए व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। देखिए इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, जैसे हिंदी व्याकरण होता है उसी तरह से अंग्रेजी व्याकरण भी होता है। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण जानते हैं, हिंदी व्याकरण जानते हैं कि जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। जैसे राम आम खाता है, शुद्ध शुद्ध हुआ, राम आम खाती आएगी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। उसी तरह से अंग्रेजी व्याकरण भी होता है
जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है उसको भी अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है जी? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम लोग पढ़े जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हैं? इत लगाते हैं। अगर मेरा प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लगाते हैं? प्लुरल लगाते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? एक नियम हो गया, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है, तो यानी कि ये व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? तो इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन वही हो सकता है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है? एक भाषा है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज अ लैंग्वेज विच टीचेज अस हाउ टू राइट एंड स्पीक करेक्टली। अंग्रेजी व्याकरण क्या है? एक भाषा है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी इंग्लिश व्याकरण बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर इज अ लैंग्वेज विच teaches us how to write and speak correctly. And English grammar is a language which teaches us how to write and speak correctly. अंग्रेजी व्याकरण क्या हो गया? एक भाषा है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी व्याकरण बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो मैंने आप लोगों को अभी ABCD के बारे में बताया। इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश होता क्या है ये जानकारी लेना जरूरी है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, ये सब का मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। आज मैं आप लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा मैं उसको बेसिक्स बताऊंगा एकदम, आप लोग देखते रहिएगा, एकदम समझ में आएगा। और कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं है जिसमें उससे 25% क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे एग्जाम्स छोटा हो या बड़ा हो, हर एग्जाम्स में इसे क्वेश्चन आता है। मैं पूरा बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक बेसिक्स जो भी बताने जा रहा हूँ, या आप लोग इंटर क्लास के लड़के भी हो वो भी देख सकते हैं, किसी को भी पूरा बेसिक्स, क्योंकि मैं बेसिक्स से पढ़ा रहा हूँ, पूरा लेवल को लेकर के जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन और इंटर दोनों का इंग्लिश अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। पहले आज मैं ये पूरा बेसिक्स क्लासेस है जो कि सबको ही देख सकता है। चलिए, आज का मेरा ये एक नया टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। ये मेरा बेसिक टॉपिक है इंग्लिश का। अगर मैं BA बेसिक्स पढ़ेंगे तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा, नहीं तो मैं अगर पार्ट्स ऑफ पिच भी स्टार्ट कर दूंगा तो सब बाउंस मारना शुरू कर देगा, क्योंकि हम लोग पूरा लेवल तक ले करके जाएंगे। जो एग्जाम्स में पूछता है वैसे वैसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों को मैं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस होता क्या है? ठीक है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। सबसे पहले ये जानकारी लेना जरूरी है। जब तक इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे कि टाइम किसको बोलते हैं और टेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, तो आगे आप लोगों को समझ में भी उतना नहीं आएगा। बस अब थोड़ा सा जानिए कि टाइम किसको बोलते हैं और टेंस किसको बोलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? देखा जाए तो टाइम का मतलब क्या होता है जी? समय होता है। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब भी क्या होता है? समय। तो टेंस का मतलब भी समय और टाइम का मतलब भी समय। जब दोनों का मतलब समय हो गया तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? टाइम किसको बोलते हैं और टेंस किसको बोलते हैं हम लोग? यानी कि ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? क्योंकि टाइम का मतलब भी समय हो गया, टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, दोनों का मतलब समय ही हो गया, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट बहुत है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, टाइम होता क्या है। ठीक है,
देखिए टाइम जो होता है ये एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है, लेकिन टेंस क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म है। मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है और कैसे ये ग्रामेटिकल टर्म है। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा प्रूफ करके बता दूंगा कि ये होता कैसे है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, सब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ये नहीं कि ये होता है तो होता है, ऐसा नहीं। जो भी होता क्यों है, कैसे होता है, एकदम आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको एकदम बताऊंगा। देखिए क्या होता है, टाइम होता क्या है, तो मैंने अभी बताया कि टाइम इज अ ग्राम, टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म। टाइम क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। और टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, टाइम कहता है कि मैं एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं हूँ, लेकिन टेंस कहता है कि मैं एक ग्रामेटिकल टर्म हूँ। लेकिन अब यहाँ पर रहा है ये ग्रामेटिकल टर्म होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग ग्रामर का नियम पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं ना जी, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हुए कि ताते ती को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नियम होता है कि ताते ती लगा हुआ है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, और उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्योंकि टेंस क्या है, ग्रामर का नियम है। लेकिन ये टाइम कहता है कि नहीं, मैं टेंस से बहुत अलग हूँ, मैं ग्रामेटिकल टर्म नहीं हूँ। अब आया यहाँ पर सवाल कि ये ग्रामेटिकल टर्म है, ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये कैसे है और कैसे नहीं है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा। तो यानी कि टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, ये कैसे नहीं है और कैसे है, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रूव करके बता रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं आपसे घृणा कर रहा हूं, आप लोग पढ़े हुए हैं कि क्रिया के अंत में रहा रही रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बेसिक्स क्लास, बेसिक चीज है, सब कोई को पता होगा कि जिस निवाह की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजा मार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, और यहाँ पर घृणा करना के अंग्रेजी क्या होता है, हेट होता है, और हेट में मैंने आई एडी लगा दिया, आई एम हेटिंग, और आपके अंग्रेजी क्या होता है, यू, यानी कि मैंने यह टेंस के ग्रामर के हिसाब से मैंने इसको बना दिया, लेकिन ये क्या है, गलत है, आई एम हेटिंग यू, ये गलत है। क्यों गलत हो गया जी, ठीक है, इसलिए गलती हो गया क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये क्या है, टाइम है। आप लोग भी जानते हैं, कहीं भी देखते हैं, फिल्म वगैरह भी देखते हैं, उसमें कभी देखते हैं आई एम हेट यू कहता है, हीरो हीरोइन को हमेशा बोलता है आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू नहीं बोलता, आई हेट यू। हेट में हम लोग आई एन जी का प्रयोग करते ही नहीं है, चाहे रहा रही हो चाहे कुछ भी, उसमें आई एन जी का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आया सवाल, ठीक है, कि इसमें आई एन जी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा आगे, सब प्रूफ करके बताऊंगा कि काहे इसमें आई एन जी का प्रयोग होता है, काहे आई एन जी का प्रयोग नहीं होता है, ये सब चीज आपको मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये टेंस नहीं है, ये क्या है, टाइम है, क्योंकि टाइम कहता है कि मैं ग्रामेटिकल टर्म नहीं हूं, मेरे में ग्रामर का कोई नियम नहीं लगेगा। इसका बनेगा कैसे, आई हेट यू, बताइए इसमें कोई ग्रामर नियम फॉलो किया है, नहीं, रहा रही है लेकिन बना रहा हूँ हेट यू, आई एम हेटिंग यू, ये क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे यहाँ पर एक मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं कि गागेगी रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस वी वन या ऑब्जेक्ट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। यदि की अंग्रेजी क्या हो गया इफ, वह की अंग्रेजी क्या हो गया ही के साथ क्या लगा दिया विल, और न की अंग्रेजी क्या होता है कम, तो की अंग्रेजी कॉम, आई, आई के साथ सही लगता है सही लगा दिया, और यहाँ पर गो लगा दिया, इफ यू विल कम आई शैल गो, यानी कि मैंने ये
टेंस के नियम के हिसाब से बना दिया, लेकिन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये भी आपका टेंस के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, टाइम के अंतर्गत आता है, क्योंकि टाइम के नियम हम लोग पढ़ते हैं कि यानी कि अगर किसी कंडीशनल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं तो अगला पार्ट में हम लोग शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तब आगे शैल विल का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर शैल विल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही क्या होगा, इफ ही कम्स कोमा आई शैल गो, ये आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, टाइम के अंतर्गत आता है, और टेंस के अंतर्गत मैंने बताया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म, ठीक है, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, यानी कि ये एक डिफरेंट हो गया आपका, टाइम होता क्या है और टेंस होता क्या है। एक मैं आपको और डिफरेंट बता रहा हूं, टाइम कहता है कि मैं एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं हूं, और टेंस कहता है कि मैं एक यूनिवर्सल कंसेप्ट हूँ, ठीक है। टाइम कहता है कि टाइम इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ, सॉरी, टाइम इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। टाइम कहता है कि मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ हूँ, लेकिन ये बोलता है कि मैं यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हूँ। यानी कि टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन टेंस एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। यानी कि अवयस्वान की यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, यूनिवर्सल कंसेप्ट किसको बोलते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग उसी को बोलते हैं जो 100% क्या होता है, सत्य होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, जो 100% सत्य, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सर्वविदित सत्य, यानी कि वैसा सत्य जो 100% सत्य, इसमें 1% भी यानी कि सत्य नहीं हो, ऐसा नहीं हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया के हर बेईमान आदमी बोलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे वो बेईमानी क्यों ना करे, लेकिन फिर भी वो बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाह करके भी नहीं बोल सकता है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति नहीं है। चोरी करना पाप है, दुनिया के हर चोर बोलता है कि चोरी करना पाप है, डेली चोरी करेगा, लेकिन वो भी बोलता है चोरी करना पाप है, क्योंकि ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन टेंस क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। वाइल फ्लोट्स ऑन द वाटर, तेज होता है पानी के ऊपर तैरता है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 and 2 makes 4, दो और दो मिल करके क्या बनता है, 4 बनता है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हम लोग चाह करके भी नहीं इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। किसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, जिसको चाह करके भी उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो चोरी करना पाप है, दुनिया के हर चोर बोलता है, डेली चोरी करता है, लेकिन फिर भी बोलता है चोरी करना पाप है, क्योंकि ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, दुनिया का हर बेईमान आदमी बोलता है, डेली बेईमानी करता है, लेकिन बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये भी बात क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यानी कि टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन टेंस क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। टाइम इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि टेंस क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। और मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ कि कैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और कैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको एक नरेशन का एग्जांपल दे करके करने जा रहा हूँ प्रूफ। जैसे नरेशन में आप लोग पढ़ते हैं, देखिए मैं अभी आप लोग को प्रूफ कर रहा हूँ टाइम किसको बोलते हैं और टेंस किसको बोलते हैं। प्रूफ करने के बाद में हम लोग इसके पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे, टाइम किसको बोलते हैं और टेंस किसको बोलते हैं, उसी को अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। यानी कि देखिए एक डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग। देखिए मैंने दो एग्जांपल दिया, पहला डायरेक्ट में ही सेड टू मी आई एम ए गुड बॉय, दूसरा राम सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं दोनों एग्जांपल्स को बनाऊंगा। ही
टोल्ड मी, कैसे बनता है मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बस अगर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिए, ही लिख दिए सेड को टोल में बदल देते हैं, काय बदलते हैं नहीं बदलते हैं, जिस दिन नरेशन पढ़ाऊंगा वो दिन आपको ये भी प्रूव करके बताऊंगा कि क्या क्यों इसको बदलते हैं, बदलने की क्या जरूरत पड़े, नहीं भी बदलेंगे तो क्या होगा। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं। देखिए आज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही लगा दिया, ही कह सकते क्या लगता है, ईद लगता है, इधर पास्ट है तो इसको क्या कर दिया, आज लगा दिया अ गुड बॉय, क्योंकि नरेशन के नियम होता है कि अगर मेरा डायरेक्ट नरेशन अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी क्या कर देते हैं, पास्ट में कर देते हैं, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है पास्ट में है, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को भी क्या कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। इसीलिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हुआ, ही के साथ हम लोग क्या लगा थी का पास्ट क्या हो गया, वाज, मैंने इसको बना दिया, इसको ही बनाऊंगा। राम टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी, ये प्रोनाउन नहीं है इसको नहीं बदलेंगे। अब देखिए इज का क्या हो जाएगा, वाज, ये भी पास्ट है तो इसको भी पास्ट, द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए मैंने जैसे ये एक सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट हो गया, दोनों सिंपल प्रेजेंट है और दोनों को मैंने रूल्स ऑफ ग्रामर ग्रामर के नियम के हिसाब से मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया, लेकिन ऊपर वाला फिर सही हो गया और नीचे वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यह टेंस नहीं है, ये क्या है टाइम है, अगर इसको हम लोग टेंस के हिसाब से बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि टाइम क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मैंने अभी बताया, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई बदलाव होता नहीं है। अगर इसको बदलाव कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति थी तो क्या आज नहीं है, चोरी करना पाप था तो क्या आज पुण्य है, सूरज पूर्व में उगता था तो क्या आज पश्चिम में उगता है, नहीं आज भी पूर्व में ही उगता है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई बदलाव होता नहीं हो, चाहे ये पर ये आपका रिपोर्टिंग पर पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, इसमें कोई हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह है क्या टाइम है और टाइम में कोई बदलाव होता नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट और टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग ना करके क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इसका नियम फॉलो नहीं किया है ना, क्योंकि ये क्या है आपका एक टाइम है, इसलिए बोला जाता है कि टाइम क्या है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट, यूनिवर्सल कंसेप्ट है और टेंस क्या है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। चलिए मैं इन दोनों का डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा बस एक लाइन। चलिए मैं आप लोगों को जो भी लिखवाया हूँ जो भी बोला हूँ उसको लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं। एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा टाइम और एक तरफ लिख लीजिएगा आप लोग टेंस, ठीक है, यानी कि टाइम होता क्या है और टेंस क्या होता है। तो इसमें मैंने बताया था टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म, टाइम क्या है ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टेंस में लिखेंगे टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस क्या है ग्रामेटिकल टर्म है, फिर इसमें लिखेंगे हम लोग टाइम इज टाइम इज यूनिवर्सल कंसेप्ट, टाइम क्या है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसमें लिखेंगे टेंस इज नॉट अ देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कोई भी अगर दिक्कत होगा आप लोगों को आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर लिख करके छोड़ दीजिएगा मैं लिखूंगा, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को कर दूंगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस भी दे सकूं।
जल्द ही लाइव क्लासेस दूंगा। लाइव क्लासेस जब देंगे उस समय आप लोग ऑनलाइन रहिएगा, सो उसी समय जो दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। चलिए हम लोग, अभी आप लोगों को मैंने लिख दिया कि टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म, टेंस क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है, टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, और टेंस क्या है, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने आप लोगों को आज बेसिक्स क्लासेस दिया टाइम एंड टेंस के बारे में, टाइम्स हो, टाइम क्या होता है और टेंस होता क्या है। अब आगे नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोगों को इसको पूरा आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, पूरा कंसेप्ट के साथ आगे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स ना हो। मैं इसको भी पूरा बेसिक से बैंक पीओ लेवल तक लेकर के जाऊंगा कि आराम से आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो बना सकते हैं। मैं पूरा बेसिक से लेकर के इसीलिए चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए आप लोग आगे नेक्स्ट वीडियो देखें,